हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे COVID-19 डिजीज के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। आपसे गुजारिश है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। COVID-19 डिजीज यानी कोरोना की नई वेव जो SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरियंट B11529 की वजह से नवम्बर 2021 से साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी और पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल चुकी है, अभी भी फैल रही है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट बाकी दूसरे वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव होता है। इसका भी स्प्रेड एयरबॉर्न यानी इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग और कफिंग जो करने से, ड्रॉपलेट से, इन्फेक्टेड सर्फेसेस से और इन्फेक्टेड पर्सन और उसके सामान के संपर्क से होता है। अभी इंडिया में कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस अभी डेली बेसिस पर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरियंट के सिम्टम्स में बुखार आना, शरीर दर्द होना, सर दर्द होना, जुकाम होना, गला खराब होना, नाक का बहना, खांसी होना, बलगम का आना, चक्कर आना, उल्टी होना या उल्टी का मन होना, शरीर में कमजोरी होना, थकान होना, सांस लेने में दिक्कत होना हो सकते हैं। किसी किसी को लूज मोशन भी हो सकते हैं। मुंह का टेस्ट और नाक की स्मेल जाना किसी किसी पेशेंट्स को हो रहा है, ज्यादातर को नहीं हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरियंट का पता RT-PCR टेस्ट से और जीनोम सिक्वेंसिंग से लगाया जाता है। चेस्ट का CT स्कैन भी कराया जा सकता है। ICMR ने अभी एक रैपिड किट भी अप्रूव की है, जिससे जल्दी और कम खर्चे में ओमिक्रॉन का पता लगाया जाएगा। ट्रीटमेंट सिम्टम्स और बीमारी की सेवरिटी के अनुसार होता है। जो जो परेशानी होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ में इम्यूनिटी बूस्टर भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, स्टेरॉइड्स, एंटी एलर्जिक, कफ प्रिपरेशंस, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीमेटिक्स, PPIs और एंटेसिड्स दिए जाते हैं। मालनूप्राविर के कैप्सूल भी 5 दिन दिए जा सकते हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। COVID-19 डिजीज का ट्रीटमेंट कभी भी ऑनलाइन सर्कुलेट प्रेस्क्रिप्शन को देखकर या किसी दूसरे मरीज का जो ट्रीटमेंट है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, कोविड निमोनिया हो या ऑक्सीजन का लेवल शरीर में 90% से कम हो, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट कराना होता है। सावधानियों में 1 से 2 वीक का होम आइसोलेशन करना चाहिए। गुनगुना पानी पिए, ग्रीन टी और काढ़ा लें, खाने में अच्छे से खाना खाएं, खांसी ना बढ़े उसके लिए गार्गल करें, स्टीम लें, न्यूबलाइज करें, सर्दी से बचें, रेस्ट करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, घर में भी मास्क वगैरह लगाएं, हैंड वॉश वगैरह करें। बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट लेडीज और पहले से बड़ी बीमारी से ग्रस्त पेशेंट्स का ज्यादा ख्याल रखें। वैक्सीन की दोनों डोज पूरी लगने के बाद भी ओमिक्रॉन वेरियंट पॉजिटिव आ सकता है, मगर वैक्सीन लगी होने पर बीमारी की सेवरिटी कम हो जाती है, इसलिए COVID-19 वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो पूरा करना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स जो कि रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनको वैक्सीन की 3rd डोज जरूर लगवानी चाहिए। घर से बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, डबल मास्क लगाएं, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, पैनिक नहीं करें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाएं नहीं। सिम्टम्स हो या फिर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे तो टेस्ट जरूर कराएं। ज्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठीक होने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई हो तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।